हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नेचर क्रिएशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्लास 12th जेनेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि हमें किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना होगा, आइए देखते हैं। सो कहता है रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट ए की पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बी की पावर वाई। ये हमने कोई भी एक जनरल इक्वेशन माननी कि ए की पावर जिसमें एक्स है और बी की पावर वाई है, के यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट है, ठीक है। कहता है द एक्स प्लस वाई गिव्स ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, कि यहाँ पे इन ए और बी की जो पावर दी हुई है एक्स और वाई, कहता इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो ये हमें क्या देगी, ऑर्डर देगी ओवरऑल रिएक्शन का। कैसे, वेयर एज एक्स एंड वाई गिव्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट रिएक्शन रिएक्टेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। और कहता है ये किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स और वाई, ए और बी के रिस्पेक्ट में है जो हमें रिएक्शन का ऑर्डर बताएगी। सो द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर का सम है, इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। वो किसके अंदर है, कहता रेट लॉ की एक्सप्रेशन के अंदर है, और जिसे हम बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर, तब आप लोगों को पता चल गया कि ऑर्डर क्या है, जब हमारी रिएक्टेंट की जो पावर है उनका जब हम सम करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो वो हमें रिएक्शन का ऑर्डर बताएगी, ओवरऑल ऑर्डर। लाइक ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इवन अ फ्रैक्शन। कहता जो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो 0 हो सकता है, 1, 2, 3 या जो भी, या इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लाइक 1.5, 2.5, 0.7, ठीक है। ऑर्डर मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, कहता जीरो ऑर्डर का मतलब है ये रिएक्शन इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, ठीक है। यानी कि आप लोगों को याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड अपॉन करेगी। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो वो डिपेंड अपॉन नहीं करती, कौन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है। आगे चलिए, कहता गेट कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। हमें कोई रिएक्शन दे दी गई है, उसका हमें ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। देखिए कैसे, ए रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट ए की पावर 1/2, बी की पावर 3/2। रिएक्शन बी, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 3/2, बी की पावर -1। तो चलिए करते हैं इन्हें। सबसे पहले रिएक्शन ए लेते हैं, जिसमें दिया है उसने कि के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2। अब हमें निकालना क्या है, ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर लिखेंगे और जो उनकी पावर है उसका सम करेंगे। पावर कितनी थी, 1/2, तो ये लिखी मैंने 1/2, इधर 3/2 प्लस डाल के 3/2, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 2 दोनों में ही कॉमन है तो 2 से ये कट जाएगा कितने पे, 2 पे। That is second order. यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी that is the order of a chemical reaction. अब यहाँ पे 2 है तो यानी कि कौन सी रिएक्शन बन गई, second order की, ठीक है। अब देखते हैं B part या B reaction. B में उसने लिखा था कि rate is equal to K A की power 3/2 B की power -1, ठीक है। सो इसका ओवरऑल ऑर्डर निकलेगा कैसे, यानी कि दोनों का पावर का सम, पावर का सम। तो चलिए देखिए पावर क्या है, 3/2, ये लिखी 3/2, इधर है -1 तो प्लस करनी है कितनी, -1, इसलिए ब्रैकेट में। तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे,
इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसके नीचे हम डाल देंगे 1। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 2, 2 ये कैंसिल तो इधर आ गया 3, इधर 1 है तो 2 वन जा 2, तो इधर कितना आ जाएगा -2, तो 3 माइनस 2 कितना बन गया 1, और नीचे कितना है 2, और इधर हमने कितना लिखा है 1/2, तो हमारा भी कितना आया है 1/2। 1/2 का क्या मतलब है? हाफ। तो इसे हम क्या बोल देंगे, ये रिएक्शन कितने ऑर्डर की है? हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को भी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन टाइप, यानी कि रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, कैसी कैसी रिएक्शन होती है वो देखना है। सो फर्स्ट वन, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होगी? द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म हो जाए उसे हम बोल देंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, या वो रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए दैट इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। उसके बाद एक क्वेश्चन है, देखिए कहता व्हाट इज मैकेनिज्म एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पहले एलिमेंट्री रिएक्शन आई, अब कौन सी आ गई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन उसके साथ ही क्या है? मैकेनिज्म। तो आप लोगों को मैकेनिज्म क्या है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है उसके बारे में बताना है। कहता व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन अकर्स, यानी कि जब एक सीक्वेंस हमें मिल जाए किस चीज की? एलिमेंट्री रिएक्शन की, यानी कि एक रिएक्शन एलिमेंट्री, फिर एलिमेंट्री, फिर एलिमेंट्री, तो वो क्या होगी? एक सीक्वेंस बन गई ना एलिमेंट्री रिएक्शन की। एंड गिव्स अस द प्रोडक्ट, और हमें क्या दे दे लास्ट में जाके? प्रोडक्ट दे दे। तो दोज रिएक्शन आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देंगे। और ये जो सीक्वेंस थी एलिमेंट्री रिएक्शन की, इसे हम बोल देंगे मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म यानी कि उसका पाथ, और पाथ कैसे पता चलेगा? उसकी एलिमेंट्री रिएक्शन जब सीक्वेंस वाइज चलती रहेगी और जब लास्ट में वो प्रोडक्ट दे देगी, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? आगे कहता है फॉर अ जनरल रिएक्शन, कोई हम एक नॉर्मल सी रिएक्शन कंसिडर करेंगे जिसमें कहता है स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है, कहता है यहां पे जो रेट होगा वो किसके इक्वल निकल के आएगा? रेट इज इक्वल टू के स्क्वेयर ब्रैकेट ए ब्रैकेट बंद उसकी पावर एक्स और स्क्वेयर ब्रैकेट बी ब्रैकेट बंद उसकी पावर वाई। यहां पे कहता जो ये एक्स और वाई है तो लिख रखा है, कहता एक्स प्लस वाई क्या देंगे? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। कहता उसको मैं क्या मान लूंगा? एक्स और वाई को एन मान लूंगा, और एन हमारा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर? फिर कहता है इसी रिएक्शन को देखते हैं, कहता इस रिएक्शन में अगर मेरे को के की वैल्यू फाउंड आउट करनी हो, तो मेरे को के की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा? के तो मैं यहीं पे रखूंगा, यहां पे जो ए और बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है इनको क्या करेंगे? यहां से उठाएंगे और रेट के डिवाइड में रख देंगे। तो रेट के डिवाइड में रखने से क्या बन गया कि के इज इक्वल टू रेट ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो ये हमारा क्या निकल गया? कांस्टेंट जो हमने माना था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, या जिसे आप लोगों ने रेट कांस्टेंट भी बोला था। फिर आप लोगों के पास क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा ये के है इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है फिजिक्स केमिस्ट्री में अक्सर यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो देखिए यूनिट निकालना खुद सीखना आप लोगों को। रेट है, अब रेट हमारा क्या था ध्यान से देखो, पहले रेट किसी भी चीज का था जब हमने क्या लिया था? कंसंट्रेशन ओवर टाइम लिया था, क्योंकि या तो हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली थी या प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही थी, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही थी। तो कहता कंसंट्रेशन ओवर में टाइम, तो क्या निकल के आ गया? रेट। फिर रेट के नीचे हमने क्या लिखना है?
ए की एक्स और बी की वाई। और ये भी क्या है, अगर देखा जाए ए और बी, ये भी तो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना। तो अब इसके नीचे लिखने की बजाय वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा क्या कि 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n। अब हमने यहाँ पे n क्यों यूज किया है, अभी हमने बताया था n क्या है, x और y का सम, x और y का सम है जिसे हमने n बोला है। ठीक है, ये हमारे बन गया। उसके बाद कहता अब हम क्या निकाल लेंगे, SI यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अब हमें इसकी SI यूनिट निकालनी होगी, तो SI यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा, मोल ओवर में टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन ओवर में टाइम। कंसंट्रेशन अगर कहता आपकी किस में दी हो, मोल लीटर इनवर्स में, और टाइम आपका किस में दिया हो, टाइम है आपका सेकंड में, तो हमारी यहां से क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? फिर कहता है रिएक्शन इधर ऑर्डर और इधर यूनिट। यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स ओवर में सेकंड इनटू 1 बाय मोल लीटर इनवर्स की पावर 0, जो कहता किसके इक्वल है, इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिर कहता है जो रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगी, जो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होगी तो उनका ऑर्डर कैसा कहता होगा, जीरो होगा, और उनकी यूनिट कैसी होगी, उनकी यूनिट होगी बच्चे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, फिर कहता है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उनका ऑर्डर फर्स्ट होगा यानी कि एक, और उनकी जो यूनिट होगी, इसको जब सोल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, तो जो ये पावर हमने यहाँ पे जीरो लिखी है, ये कब आएगी, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, उसके बाद जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। तो यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उनकी जो यूनिट बनेगी फिर वो क्या बनेगी, सेकंड इनवर्स, किसकी, के की। उसके बाद सेकंड ऑर्डर, जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी यानी कि उनका ऑर्डर कितना हो गया, 2, और उनकी पावर कितनी बनेगी, पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो उनकी कितनी बन गई अब यूनिट, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, डिफरेंस देखिए 0 में और 2 में क्या है, इधर है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बट इधर क्या है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वन इज मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि हमें रिएक्शन की क्या बतानी है, मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए कहता व्हेन नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। जब हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी रिएक्टिंग स्पीसीज होती है, वो क्या करती है, एलिमेंट्री रिएक्शन में होती है। सो विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction। simply कहना ये चाहता है कि हमारे पास एक elementary reaction में जो बहुत सारी species आपस में react करती है, कहता वो आपस में क्या करेगी, collide कराएगी, collide होगा उनका आपस में, उसकी वजह से उस वो जो collision है वो क्या bring करेगा, लेके आएगा उनके अंदर एक ऐसा change जिसे हम क्या कहेंगे, chemical रिएक्शन। एंड ये पूरी प्रोसेस जो होगी इसे हम क्या कहेंगे, मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अब मोलिकुलैरिटी को हम डिवाइड करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो आता है दैट इज यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यूनि का मतलब एक, मोलिक्यूलर का मतलब मोलिक्यूल की रिएक्शन। सो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन में हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम
नाइट्राइट क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? NH4NO2। ये जब डीकम्पोज होगा तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? N2+2H2O। ठीक है, यानी कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो डीकम्पोज होके हमें डाई नाइट्रोजन और दो वाटर के मॉलिक्यूल। कौन सी रिएक्शन? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यूनि के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हमारे पास आएगा बाई मोलिक्यूलर रिएक्शन। बाई का मतलब दो, तो यानी कि हमारे पास दो मोलिक्यूल होंगे तो हमने क्या ले लिया? 2HI। H का मतलब हाइड्रोजन, I का मतलब आयोडीन, तो मिलके क्या बनेगा ये? हाइड्रोजन आयोडाइड। कौन सी रिएक्शन? बाई मोलिक्यूलर। तो कहता जो ये 2HI है जब ये डीकम्पोज होगा तो ये कन्वर्ट होगा किस में? H2+I2, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडाइड, I2 आयोडाइड। ठीक है, उसके बाद बाई मोलिकुलर के बाद प्रोसीड करेंगे आगे तो हमारे पास आएगा ट्राई मोलिकुलर, या जिसे हम बोल देते हैं टर्मोलिकुलर रिएक्शन, किसी भी नाम से हो सकता है। इसमें हमने क्या लेना है? 2NO। 2NO का क्या मतलब है बच्चे? यानी कि NO NO, तो मिलके क्या बन गया वो? 2NO। साथ में एडिशन कर दी हमने O2 की, यानी कि ऑक्सीजन, तो सिंपली इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा और क्या बना लेगा? 2NO2। क्या बना लेगा ये? 2NO2। ठीक है, कौन सी मॉलिक्यूल? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये हमने मोलिकुलरिटी देखा, फिर यूनि मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर और ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है इन द मोस्ट केसेस या इन द मोस्ट रिएक्शन द मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व्ड। देखिए, हमने मोलिकुलरिटी में यूनि मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर और ट्राई मोलिकुलर ही पढ़ा, हम उसके आगे भी तो पढ़ सकते थे ना, बट नहीं, वो यही समझाना चाहता है कि जो मोलिकुलरिटी होती है उसके अंदर कहता जो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो 3 मोलिकुलर ही होती, इससे ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होती। क्लियर? बट इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लेकिन अगर कहता हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं मोर देन 3 मोलिक्यूल, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वही होगी जिसमें मोर देन 3 मोलिक्यूल्स होंगे। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी थी? जिसमें एलिमेंट्री रिएक्शन की हमारे पास सीक्वेंस बनी थी और लास्ट में वो प्रोडक्ट दे रही थी। तो अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कहता 3 से ज़्यादा मोलिक्यूल होंगे, इन द स्टिकोमेट्रिक इक्वेशन मस्ट टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। यानी कि क्या होगा? जो इनका स्टिकोमेट्रिक है कहता वो एक से ज़्यादा स्टेप में होगा। अब देखिए कैसे, एक बार एग्जाम्पल्स देखिए, क्लियर होगा। एग्जाम्पल में हमारे पास KClO3 प्लस 6FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट प्लस 3H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों मिलके हमें क्या देंगे? ये देंगे हमें KCl3Fe2SO4 की थ्राइस और 3H2O के मोलिक्यूल। यानी कि हमारे पास KCl और 3Fe2SO4 की थ्राइस और 3 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फिर कहता है द रिएक्शन सीम्स 10th ऑर्डर। ये जो रिएक्शन है कहता है ये देखने से ऐसा पता चलता है कि 10th ऑर्डर की है। कैसे? 6 मोलिक्यूल FeSO4 के, 3 मोलिक्यूल H2SO4 के, 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 मोलिक्यूल हो गए। तो इसका मतलब तो इसकी जो मोलिकुलरिटी है वो 10th ऑर्डर होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मोलिक्यूल्स, बट कहता है ऐसा नहीं होता, बट इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और ये कैसी रिएक्शन मिलती है कहता? सेकेंड ऑर्डर की। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बताया था कि हम किसी भी रिएक्शन को देख के उसकी ऑर्डर को फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि वो रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डन ना हो।
ठीक है। तो यानी कि देख के आप लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कंप्लीट? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।